अफ्रीका में एक छोटा सा देश है रवांडा। मैं पिछले वर्ष वहां गया था और वहां यहां जो खबरें आई उसको लेकर कुछ लोगों ने तूफान भी खड़ा कर दिया था कि मोदी जी ने रवांडा में जाकर के 250 गाय बैंट करने का कार्यक्रम किया, लेकिन देश के सामने पूरी बात लाई नहीं गई। रवांडा जैसा देश, अफ्रीका का देश, वहां एक अद्भुत योजना चल रही है। वहां की सरकार रवांडा में गांव के अंदर गाय भेंट देते हैं लोगों को, और फिर उनका जो पहली बछड़ी होती है वो नियम है कि वो सरकार वापस लेती है, और जिसके पास गाय नहीं है उसको वो बछड़ी बेच दी जाती है। ये पूरा चेन चलता है और उनकी कोशिश है कि रवांडा के गांव में हर घर के पास गाय पशुपालन, दूध उत्पादन और उसकी इकोनॉमी का आधार बने। बहुत ही बढ़िया ढंग से उन्होंने इसका प्लान किया हुआ है और मुझे भी रवांडा के गांव में जाने का मौका मिला, इस योजना का उद्घाटन करने का मौका मिला, और वहां किस प्रकार से गांव के जीवन में पशुपालन और खास करके गाय के दूध के द्वारा रोजी रोटी कमाने का पूरा नेटवर्क खड़ा कर दिया गया है, मैं अपनी आंखों से देख के आया हूं। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य है, कुछ लोगों के कान पर अगर होम शब्द पड़ता है तो उनके बाल खड़े हो जाते हैं, गाय शब्द पड़ता है तो उनके बाल खड़े हो जाते हैं, उनको लगता है देश 16वीं 17वीं शताब्दी में चला गया। ऐसा ज्ञान देश को बर्बाद करने वालों ने बर्बाद करने में कुछ नहीं छोड़ा है, और इसलिए हमारे भारत के ग्रामीण जीवन की अर्थव्यवस्था में पशुधन बहुत मूल्यवान बात है। कोई कल्पना करे क्या पशुधन के बिना अर्थव्यवस्था चल सकती है, क्या गांव चल सकता है, क्या गांव का परिवार चल सकता है क्या? लेकिन पता नहीं कुछ शब्द सुनते ही करंट लग जाता है कुछ लोग। साथियों, पशुधन को लेकर सरकार कितनी गंभीर है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सरकार बनने के बाद 100 दिन में जो बड़े फैसले लिए गए उनमें से एक पशुओं के टीकाकरण से जुड़ा हुआ है। इस अभियान को विस्तार देते हुए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम और कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। साथियों, आप सभी ये भलीभांति जानते हैं कि पशुधन का बीमार होना कितना बड़ा झटका होता है। हमारे पशु बार बार बीमार न हो उनके इलाज पर किसानों को बेवजह खर्च न करना पड़े, पशुपालक को खर्च न करना पड़े, इसी सोच के साथ आज 13,000 करोड़ रुपए के एक बड़े अभियान की शुरुआत की गई है। तो मैं प्रधानमंत्री को याद दिलाना चाह रहा हूं कि इस मुल्क में हमारी कानों में यकीनन वो जो कह रहे हैं वो भी सुनते हैं, हिंदुस्तानियों के कानों में अजां की आवाज भी आती है, हिंदुस्तानी के कानों में गुरुद्वारा से भी आवाज़ें हम सुनते हैं, एक हिंदुस्तानी अपने कानों से गिरजाघर के घंटे भी सुनता है। ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में सिर्फ ये कहना कि भाई एक ही सुनकर किसी के कान खड़े हो आते,
हम प्रधानमंत्री से कहना चाह रहे हैं कि कान उस वक्त खड़े होने चाहिए आपके जब गाय के नाम पर इंसानों को मारा जा रहा है। प्रधानमंत्री के कान उस वक्त खड़े होने चाहिए जब संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, और हम हमारे वजीर आजम से उम्मीद करते हैं कि वो जब संविधान में राइट टू लाइफ लिखा गया है, चाहे वो तबरेज़ हो या पीलू खान हो या अखलाक हो, उस वक्त प्रधानमंत्री का पीएम का एंटीना खड़े होना चाहिए कि भाई मेरे देश में ये क्या हो रहा है।